अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। टुडे इज़ 19th ऑफ जून 2021। दिस इज़ क्लास 11th सब्जेक्ट सोशोलॉजी ऑफ बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल इन सो। एज यू नो, वी आर स्टडिंग अबाउट द एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल, एंड इन द प्रीवियस लेक्चर्स we discussed about some of the agencies of social control like the law, the state, the education, the folkways. Today we will learn about some more agencies of social control. First is mores. Mores represent another category of norms. Mores are considered to be essential for group welfare. Mores seek to regulate the relationship between individuals in definite situations, between wife and husband, parents and children, student and teacher, etc. They may also refer to general social relationships in terms of honesty, truthfulness, hard work and discipline, and so on. The positive mores prescribe behavior patterns, while the negative mores or taboos prescribe or prohibit behavior patterns. Like the folkways, mores are also a category of social norms or norms. We can say the established ways of behavior, the established practices, habits, usages that are essential for the group welfare, that are essential for the welfare of the society as a whole. They determine, they regulate the relationships, the social relationships, for example, between husband and wife, between parents and children, between teacher and student. What are the rights of husband? What are the rights of wife? What are their duties towards each other? Similarly, what are the duties of parents and children towards each other? How they should conduct their relationship? And these mores are important for the welfare of the society, for the well-being of the society, in order to have a strong relationship, a strong social bond. It is important to conform to these ways, to these established ways of behavior, of conduct. तो मोरेज जो होते हैं, जैसे फोकवेज होते हैं, उसी तरह ये भी एक तरह के जो कायदे, जो तौर तरीके समाज के अंदर पाए जाते हैं. लेकिन ये मोरेज जो होते हैं, ये समाज या उस ग्रोह की फलाह व बहबूद के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं. हम जैसे हमने फोकवेज के बारे में पढ़ा, तो वो समाज के अंदर जो राइज कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ आदात होते हैं, कुछ आदाब होते हैं, जैसे खाने से मुतलिक, जैसे ईटिंग हैबिट्स, या जो ड्रेस कोड होता है, जो हम कह सकते हैं कि वेज ऑफ ग्रीटिंग होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि किस तरह लोग पहनावा करते हैं, किस तरह वो उनके जो खाने के आदात होते हैं, किस तरह वो एक दूसरे से इंटरेक्ट, या हम कह सकते हैं एक दूसरे को ग्रीट करते हैं. तो ये चीज़ें उमूमी तौर पर समाज में राइज होती हैं, लेकिन ये समाज की फलाह व बहबूद के लिए उतने ज़रूरी नहीं होते. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई किस तरह का कपड़ा पहने, कोई किस तरह से अपना जो मतलब उसके खाने के आदात क्या होंगे, वो हाथ से खाता है, वो चॉपस्टिक से खाता है, वो चम्मच से खाता है, तो ये चीज़ें उतनी ज़रूरी नहीं होती समाज की बहबूद के लिए. लेकिन जो मोरेज होते हैं, ये तौर तरीके, ये आदात, ये अखलाक, ये कायदे समाज की फलाह व बहबूद के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये डिटरमाइन करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं जो हमारे समाज के अंदर जो मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स होते हैं, जो ताल्लुकात, जो रिश्ते होते हैं. जैसे एक वाइफ और हस्बैंड के दरमियान का रिश्ता, अगर वो एक दूसरे पर भरोसा ना करें, एक दूसरे की इज्जत ना करें,
उनके आपस में क्या हकूक़ है, उसकी पासदारी ना करें तो वो रिश्ता बिखर सकता है। इसी तरह पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान जो रिश्ता है, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों की तरबियत ना करें, इस तरह बच्चे अपने वालिदैन की जो इज्जत है वो ना करें, उनकी कदर ना करें, तो इस तरह क्या होगा, ये रिश्ता जो होता है वो बिखर जाएगा। और जब रिश्ते बिखर जाएंगे तो उससे समाज भी बिखर जाएगा। इसलिए मोरेज जो होते हैं ये तौर तरीके समाज के अंदर बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। इनको अपनाना, इनको अबे करना, इनको तस्लीम करना समाज के फलाह व बहबूद के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह हम जो मोरेज होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव भी, मनफी भी और मुस्बत भी। तो पॉजिटिव मोरेज जो होते हैं उन वो हमें बताते हैं कि हमें कौन से वेज ऑफ कंडक्ट या बिहेवियर है उनको अपनाना है। और जो नेगेटिव मोरेज होते हैं दे प्रोहिबिट अस, वो हमें रोकते हैं ऐसी चीज़ों से जो समाज के लिए नुकसानदेह होते हैं, ऐसे आदात, ऐसे अतवार से, ऐसे तौर तरीक़ों से, ऐसे आदात से जो समाज के फलाह व बहबूद के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो इस मत में हम कह सकते हैं कि जो मोरेज हैं ये एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल है, क्योंकि इनके ज़रिए समाज के जो अफराद हैं वो उनका जो बिहेवियर होता है, उनका जो कंडक्ट होता है, उनका बर्ताव होता है, उनकी शख्सियत होती है, उसको अंदर असरअंदाज किया जाता है। तो वो अपनी ज़िंदगी को, अपने तौर तरीक़ों को उसी हिसाब से ढालते हैं जैसे समाज के अंदर वो पाए जाते हैं, जैसे समाज के अंदर वो मोरेज, वो तौर तरीके, वो आदात, वो अखलाक मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इज रिलीजन। रिलीजन सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल। इट इज़ रिलीजन विच सपोर्ट्स द फॉक वेज एंड मोरेज ऑफ अ सोसाइटी बाय प्लेइंग सुपर नेचुरल सैंक्शन बिहाइंड देम। इट अडॉप्ट्स नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव मीन्स टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसी इज रिलीजन, because every individual member of the society follows a certain religion, has a certain religious belief. तो हर समाज के अंदर हर जो शख्स होता है, अफराद जो होता है, वो किसी न किसी मजहब को फॉलो करता है, उसके कुछ मजहबी अकायद होते हैं। और मजहब के अंदर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि किस तरह जो लोगों के साथ पेश आना है, अच्छाई के बारे में बताया जाता है, बुराई के बारे में बताया जाता है, ऐसे तौर तरीके सिखाए जाते हैं जो समाज के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, और ऐसे तौर तरीक़ों से रोका जाता है जो समाज के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो मज़हब है वो फॉक वेज और जो मोरेज होते हैं उनको अमलाने में, उनकी तकवियत, या हम कह सकते हैं कि उनको तकवियत पहुँचाते हैं, कि चूँकि मज़हब को लोग बहुत दिलचस्पी से या बहुत हम कह सकते हैं कि सीरियसली लेते हैं, बहुत संजीदगी से लेते हैं। तो जो चीज़ मज़हब में गलत तस्वर की जाती है उससे लोग बचने की कोशिश करते हैं, और जो चीज़ मज़हब के अंदर अपनाने के लिए ज़ोर दिया जाता है उसको लोग फॉलो करते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। तो समाज जो मज़हब होता है इसके अंदर दो तरीक़ों से लोगों को समाजी जो ढांचा होता है, इसके जो तौर तरीके होते हैं, आदात अखलाक होते हैं, उनको अपनाने के लिए दो तरीके यहाँ पर अपनाए जाते हैं। जैसे आप देखते हो कि समाज के अंदर कोई गलत काम करना, शराब पीना, झूठ बोलना, तो हर मज़हब इन चीज़ों के ख़िलाफ़ है। तो इनके खिलाफ़ एक वईद सुनाई जाती है, डर कि अगर लोग शराब पियेंगे, अगर लोग मतलब झूठ बोलेंगे, अगर लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, तो उनके लिए ये वईद सुनाई गई कि उनको आखिरत में या उनके लिए ये अजाब रखा गया है। तो उनको इस वजह से, इस डर की वजह से उनका बिहेवियर, उनके कंडक्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह कुछ चीज़ों में मज़हब के अंदर पॉजिटिव जो हम कह सकते हैं कि मीनस अपनाए जाते हैं, मुस्बत, कि अगर आप ये काम करोगे, आप सच बोलोगे, आप
अपने वालिदैन की इज्जत करोगी, अपने रिश्तों को अच्छे तरीके से खुश असलूबी से निभाओगे, एक दूसरे की मदद करोगी, तो आपको ये इनाम दिया जाएगा। आपके लिए मतलब ये सब इनामात रखे गए हैं। तो पॉजिटिव मीनस भी अपनाए जाते हैं और नेगेटिव मीनस भी। तो इस तरह जो मज़हब होता है, ये लोगों का जो बिहेवियर होता है, जो समाज के जो अफराद होते हैं, उनके बिहेवियर को, उनके कंडक्ट को, उनके एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ वेरी पावरफुल एंड मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल। इट फोर्सेस द इंडिविजुअल टू ओबे सोशल कंट्रोल। द एडमिनिस्ट्रेशन पुनिशेस द वायलेटर्स विद द हेल्प ऑफ द पुलिस आर्मी एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ अ फॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल। जैसा कि आपने इससे पहले देखा, जो फॉकवेज हैं, मोरेज हैं, तो यहाँ पर कोई इनके पीछे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको ये ड्रेस पहनना, आपको इस तरह खाना खाना है, तो आपको मतलब ये सच बोलना ही बोलना है। ये इनफॉर्मल है, ये समाज के अंदर राइज होते हैं, तो इनके पीछे समाज की सेंक्शन होती है। लेकिन जब कोई काम समाज की रूह से गलत होता है, तो उसके पीछे जब कोई फोर्स, कोई पावर उस को रोकने के लिए जब यहाँ पर मतलब यूज़ किया जाता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल लोग दंगा करते हैं, लोग किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, या इन चीज़ों को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, जो इंतज़ामिया होता है, वो पुलिस का इस्तेमाल करता है, वो फौज का इस्तेमाल करता है। तो बाय फोर्स, जैसे हम कहेंगे, ताकत के ज़रिए लोगों की जो एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल करना, लोगों का जो बिहेवियर उनको कंट्रोल करना, तो यहाँ पर उनको सज़ा दी जाती है अगर वो कोई गलत काम करेंगे, कोई एंटी सोशल काम करेंगे जो समाज के लिए नुकसानदेह होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी एक अहम ज़रिया है जिससे समाज के अंदर सोशल कंट्रोल जो लागू किया जाता है, लोगों की एक्टिविटीज़ को, उनके बिहेवियर को, उनके हम कह सकते हैं कंडक्ट को इन्फ्लुएंस किया जाता है। क्योंकि उनको डर होता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो इसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, फौज के ज़रिए किसी तरह से रोका जाएगा, हमें सज़ा हो जाएगी। तो इस डर से लोग फिर अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, वो काम नहीं करते जो समाज के लिए नुकसानदेह होते हैं। नेक्स्ट इज़ फैमिली। फैमिली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट और एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल। फैमिली प्रिस्क्राइब्स रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट द मेंबर्स हैव टू फॉलो। दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म अ पार्ट ऑफ सोशल कंट्रोल। द फैमिली सोशलाइज़ द चाइल्ड इनटू द नॉर्म्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ द ग्रुप। दस फैमिली हैज़ predominant role in the shaping of the personality of the child. Family teaches the child to conform to the norms of the society. It exercises control over its members to bring about the desired action. Now, family is one of the significant agency of social control. When a child is born into a family, he learns the ways of, and we can say, communication, how to behave with others, how to respect the elders. All these things are learned by an individual first in the family. तो family जो होती है, जो एक इंसान का जो परिवार होता है, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो इन चीज़ों को अपने family में ही सीखता है। उसको अपने माँ बाप जो होते हैं वो तरबियत करते हैं कि समाज के अंदर कौन सी चीज़ गलत तस्वीर की जाती है, कौन सी अच्छी चीज़ है, किस चीज़ को आपको फॉलो करना है, किस चीज़ से आपको रुकना है, कैसे बात करनी है लोगों से, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, तो कैसे अपनी लाइफ गुजारनी है समाज के अंदर। तो ये सब चीज़ें सबसे पहले फैमिली ही, एक परिवार ही एक अपने एक बच्चे को सिखाता है। तो एक बच्चे को यहाँ पर सोशलाइज़ किया जाता है, इश्तराकी बनाया जाता है, कि क्योंकि वो समाज जो फैमिली होती है वो भी एक ग्रुप होता है, तो सबसे पहले वो उस ग्रुप लाइफ के बारे में अपने फैमिली के अंदर ही सीखता है। फिर जैसी उसकी तरबियत होगी, माँ बाप उसकी अच्छी तरबियत करते हैं, उसके अखलाक जो होते हैं वो संवारते हैं,
उसको अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, उसको लोगों के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारनी, कैसे बिहेव करना है। तो इस सिमत में जब वो फिर अपने समाज के अंदर, अपने मतलब उस लार्ज सोसाइटी के अंदर आता है, तो वो अपनी इस फैमिली की दी हुई तालीमात को वहाँ पर फॉलो करता है। तो इस सूरत में वो फिर अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारता है, तो उससे समाज को फ़ायदा ही होता है। तो जो फैमिली होती है वो एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, उसकी जो एक्टिविटीज़ या उसका जो बर्ताव, जो कंडक्ट है, उसको असरअंदाज करने का एक अहम ज़रिया है। क्योंकि जो इंसान की तरबियत है वो पहले अपने ख़ानदान में, अपने फैमिली में ही होती है, इसलिए जैसी उसकी तरबियत होगी वैसा उसका बिहेवियर फिर होगा। उसको अच्छी तालीम दी जाएगी तो वो अच्छा ही बनेगा, उसको बुरी तालीम दी जाएगी तो वो बुरा ही बनेगा। लेकिन चूँकि फैमिली अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देते हैं, उनके अखलाक संवारते हैं, उनकी शख्सियत को तराशते हैं, उनको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाते हैं, समाज के अंदर कैसे रहना है, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना बात करना है, तो इस तरह उसका बिहेवियर, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसको असरअंदाज किया जाता है। तो अपनी तरबियत से वो समाज के अंदर फिर उस तरबियत को लेकर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो यहीं से बच्चा सोशलाइज होकर फिर समाज में आगे बढ़ता है। तो इस तरह जो फैमिली होती है ये एक अहम ज़रिया है इंडिविजुअल को सोशलाइज करने के लिए, उसकी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और उसकी लाइफ जो है सोशल लाइफ है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये कुछ और एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम बाकी जो सोशल एजेंसीज हैं, हम कह सकते हैं कि जो बाकी जो कुछ ज़राए हैं जिससे समाज अपने अफराद के ऊपर कंट्रोल करता है, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।